Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, बच्चों. Good morning. कैसे हैं सब? सब बढ़िया सर. बहुत अच्छी बात. Good morning, guys, Jen. कोई डाउट है किसी को अभी तक की क्लास में? यस जैन, सचिन दुबे, धीरज, गुड मॉर्निंग बेटा. गुड मॉर्निंग. एनी डाउट? नो सर. करें स्टार्ट. कोई डाउट नहीं है तो करें स्टार्ट. यस सर. वेरी गुड. कल कुछ क्वेश्चन दिए थे. जैसे अनु. यस सर. हो गए? यस सर. यस सर. बताइए क्या आंसर आएगा पहले का. व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट वन? बताइए बच्चों क्या आंसर है फर्स्ट का. चैट देखो, आपके पास दोनों तरीके हैं. क्या दो तरीके हैं सुनिएगा हर बच्चा. आपके पास पहला तरीका है, आप 64 से डिवाइड भी कर सकते हो. तो ये वाला एग्जैक्ट डिविजिबल हो रहा है. फर्स्ट तरीका तो ये है. सुनिएगा सुनिएगा. यस बेटा सृष्टि, वेरी गुड. फर्स्ट तरीका तो ये है ना. अब सुने जो मैं कहना चाहता हूं. मैंने आपको दो तरीके मेथड बताए थे. क्या फर्स्ट एड्रेस ऑफ अ ब्लॉक will be, yeah, first address of a block should be exactly divisible by total number of address in a block. पहला पॉइंट तो ये बताया था मैंने आपको. या first address of a block is calculated by setting the right most 32 minus n bit to zeros. Clear है? Each and everyone.
Each and everyone clear है? Yes sir. Very good. अब देखो, या तो exactly divisible वाला गणित लगा सकते हो, या आप ये देखो, first address के लिए 64 IP address है, यानी 2 की power n कितना हुआ? 32 minus n. तो ये तो first total address आ जाएंगे. तो ये कितना है? 2 की power 6, 2 की power 32 minus n. तो n आ गया आपका 26, यानी राइट मोस्ट 6 बिट 0 चाहिए, फर्स्ट एड्रेस के लिए. यस या नो, समझ में आया? फर्स्ट एड्रेस के लिए राइट मोस्ट 6 बिट 0 चाहिए. अब देखो 63 को कैसे लिखूंगा, 00, ये तो लास्ट एड्रेस हो गया, 6 बिट चलेगी अपने जीरो में. 32 को कैसे लिखूंगा, 16 को नहीं चलेगा, 128 को राइट मोस्ट 6 बिट 0s. चीज समझ में आई? यस सर. फर्स्ट एड्रेस के लिए राइट मोस्ट 6 बिट 0s. नेक्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा बताइए सब बच्चे, कीजिए बताइए जल्दी से. अनाउंस नहीं करना, प्राइवेटली रिप्लाई करो. और बाकी बच्चे, बस 5 बच्चे आंसर देंगे क्या? 8 बच्चे. ईच एंड एवरी वन, सब बच्चे आंसर दे प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से. ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर दे. यस, बी इज द राइट आंसर. कैसे? देखो कितनी बिट चाहिए होगी भाई, 4 बिट, 2 की पावर 4 है, यानी राइट मोस्ट 4 बिट 0 सही है. तो क्या करेंगे, 15 को कैसे लिख दोगे, 0000 1111, 0 को, 4 को, 8 को, 8 है. नेक्स्ट 2048 आईपी एड्रेस, 2 की पावर 11, यानी राइट मोस्ट 11 बिट जीरोज रिक्वायर्ड. तो 4.0 को कैसे लिखोगे, 0000 0100.80s. 2.0 को कैसे लिखोगे, 1.0 को कैसे लिखोगे,
ये होगा 11, 8 जोड़ 0 को, 11 जीरोस। इसमें आपके 11 बिट जीरोस आ रहे हैं, यानी ये फर्स्ट एड्रेस बनने की कैपेबिलिटी रखता है। इसमें 11 जीरो नहीं आ रहे, इसमें भी नहीं आ रहे, ऊपर वाले में भी नहीं आ रहे थे। चीज सबको समझ में आ रही है? यस सर। इस वाले में क्या किया देखो बच्चों, 2 की पावर 21 है, यानी कितने नंबर ऑफ एड्रेस आ जाएंगे? टू की पावर 32 माइनस 21, 2 की पावर 11, दैट इज 2048। और कितने हैं? 10 कस्टमर है, सबको 64 आईपी एड्रेस चाहिए, तो 640 कितने बच जाएंगे? रिमेनिंग कितने बच जाएंगे बेटा? 2048 माइनस 640, 1408, ये आपके बच जाएंगे। उम्मीद करता हूं और बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है एवरीवन? ईच एंड एवरीवन क्लियर सर? क्लियर। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सर। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन करे हर बच्चा, रिक्वेस्ट है सभी से। बताइए बेटा, यस बताइए मुझे इसको कैसे एलोकेशन करते हैं। हो गया बच्चों? यस सर। बताओ तो एड्रेस एलोकेट करके दिखाओ बेटा, अब क्या कर रहे हैं? एड्रेस एलोकेट करके दिखाना है, बताऊं मैं?
दो मैच कर रहे हो, अच्छा वेरी गुड। हो गया बेटा? यस सर। क्या आंसर आ रहा है? लिख दीजिए। देखिए, वेरी गुड। सुनिएगा, हर बच्चा सही कर रहा है। सुनिएगा क्या कहना चाहता कवि। 89.11.15.144/26, पहली बार टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने आ जाएंगे? 64। 2 की पावर 32 माइनस 26, 2 की पावर 6, 64 आईपी एड्रेस। और फर्स्ट एड्रेस कैसे निकलेगा? और लास्ट एड्रेस? वंस। ठीक है, 144 को कैसे लिखोगे? 128 और 16। यस या नो सर? फर्स्ट एड्रेस के लिए तो ये 6 बिट, 0 और लास्ट एड्रेस के लिए 128 से लेके 191 हो गया। तो रेंज कैसे लिख दोगे बेटा?89.11.15.26 से लेके 89.11.15.191/26। प्यारे बच्चों, बात समझ में आ गई? सर। अब सुनो, अब खेला तो सुनिएगा। अब क्या खेला है, क्या खेल चलेगा? यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। उतार लिया सबने यहाँ तक? अब सुनिएगा, अब नहीं उतारा, जल्दी उतारो। Each and everyone, do fast. सर उतार लिया। क्लियर? देखिए, अब मेरे को क्या करना है बेटा, आपको एक चीज समझ में आ रही है? अब आपको इसके टुकड़े बनाने हैं। क्या करने? टुकड़े बनाने हैं। तो अब आप देखो कितने डिपार्टमेंट में तोड़ रहे हो आप? चार। चार में सर। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कितने आ जाएंगे इन ईच डिपार्टमेंट? 16 16। यस या नो? यस सर। समझ में आ गई बात?
16 IP एड्रेस, यानी मास्क क्या चलेगा, मास्क क्या चलेगा, /28, क्यों, 2 की पावर 4। यहां तक समझ में आया? अब जो ये 144 में ये जो था, देखो ये 4 तो मेरी होस्ट बिट कहलाएगी, हर बच्चा सुनना बेटा, बाद में बढ़ेंगे आगे, और ये जो 2 मेरी बिट है ये मैं ये सब ब्लॉक यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, सब ब्लॉक, यानी ये वाली जो होस्ट बिट है 00 01 10 11, ये ऐसे चलाऊंगा मैं। यस सर। हर बच्चे को समझ में आ गई? यस सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सब ब्लॉक। तो देखे अगर मैं फर्स्ट सब ब्लॉक की बात करूं, फर्स्ट सब ब्लॉक तो क्या आ जाएगा, 10 उसका फर्स्ट एड्रेस 0000 और लास्ट एड्रेस 1111। देखो मैं अलग पेन से अलग इसलिए और लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए, 128 से 143 तो रेंज क्या आ जाएगी फर्स्ट सब ब्लॉक की, 28 मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यस सर। /28 यानी बाहर तो आपका /26 चल रहा है, बाहर आपका /26 चल रहा है, यहां से लेके यहां तक /26 है, लेकिन अंदर आपने कैसे बांट रखा है, 4 टुकड़ों में बांट रखा है, तो अंदर आपका /28 चल रहा होगा। और सेकंड सब ब्लॉक कैसे आ जाएगा बोलो, 0 0 1 144 से 159 तो रेंज आ जाएगी सेकंड सब ब्लॉक की 160 से 175, तो आपकी रेंज आ जाएगी थर्ड वाले की 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
यस सर। फोर सब ब्लॉक, देखो इससे भी मैंने आपको सबनेटिंग सिखा दी है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वन सेवेंटी सिक्स से 191 तो रेंज आ जाएगी फोर्थ वाले की 89.11.15.176/28 से 89.11.15.191/28। देखो जादू देखो क्या है, सुनिएगा बच्चों, थोड़ा सा और मिनिमाइज कर रहा हूं मैं, जूम आउट कर रहा हूं, जादू देखो क्या है कि आपका यहां से लेके यहां तक स्टार्ट होना था, यहां से लेके यहां तक स्टार्ट होना था, वही हुआ है। 128 से लेके 191 तक ही कटा है, लेकिन इस बार मास्क में क्या चल रहा है, 28। यानी आप देखते पता, यानी ये मास्क का क्या काम है क्लासलेस में, क्लास तो मैटर ही नहीं करती है भाई,
क्लासलेस में तो ये मास्क जो नीचे होता है नेट मास्क, वो बता देगा कि आपके बच्चे स्टूडेंट कितने हैं। चीज समझ में आ गई सब बच्चों को? यस सर। लिख दीजिए चैट बॉक्स में, मजा आया नहीं आया? वास्तव में बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक नंबर लाइक। बताइए जल्दी से। Each and everyone. तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। अब कहाँ से उतारना है ये बता दीजिए। ये जो सेकंड पार्ट था वहीं से, सेकंड पार्ट से उतारना है। उतारिए जल्दी। तो थोड़ा सा नीचे सर हो गया। करें स्टार्ट ईच एंड एवरीवन। अब देखो मैं आपको वीएलएसएम सिखाने वाला हूं, अब जो सिखाने वाला हूं इससे भी बढ़िया क्वेश्चन सिखाने वाला हूं, लिटरली मजा आ जाएगा। करें स्टार्ट। सर यस।
वेरिएबल एंड सबनेट मास्किंग सिखा रहा हूं, पर अभी हेडिंग मत डालिएगा वेरिएबल एंड सबनेट मास्किंग, सुनिएगा पहले भी। देखो ये दे रखा है, अभी वेरिएबल लेंथ स्टार्ट नहीं किया, वो अगले क्वेश्चन में करूंगा, ठीक है। ये मेरा आईपी एड्रेस दे रखा है, ठीक है। एंड वांट्स टू कंस्ट्रक्ट सबनेट फॉर फोर डिपार्टमेंट with equal host, then calculate subnet mask. यहां तक क्लियर है? कैलकुलेट करें आगे? Yes, sir. अब देखो, पहली बात ये क्लास सी है, डिफॉल्ट कितना होता है इसमें, स्लैश चॉइस या 255.0, और चार सबनेट चाहिए। टू बिट बोरो करोगे, हाँ या ना? यस सर। यस सर। चार सबनेट चाहिए, यानी ए बी सी डी सबको इक्वल होस्ट चाहिए। मान लीजिए कितने, 50 50 50 50, मैं ये मानता हूं सबको इक्वल होस्ट। अभी तो फिक्स लेंथ सबनेट मास्क है, तो 50 होस्ट के लिए कितना चलेगा? आई बात समझ में? ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके बताएं। यस सर। दोनों तरीके बताएं। क्लियर है कि आप दो बिट बोरो कर लो तो भी आपका मास कितना आ जाएगा? 255.192। और इसको पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? 26 क्लियर है? क्लियर है यहां तक? यस या नो? यस सर। अब सुनिए, मेरा आईएसपी से आईपी आया 211.1.5.0/24। हर बच्चा सीखेगा बेटा, ए को दे रहा हूं, इसी तो अभी ज्वाइन किए हो, 50 होस्ट ए को दे रहा हूं, उसमें कैसे चलेगा? 211.1.5.0/26 चलेगा बेटा, /26 चलेगा। सुनिए मैं ये क्या सिखा रहा हूं, मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, ये मैं आपको सबनेटिंग ही सिखा रहा हूं, लेकिन अब दूसरे तरीके से सिखा रहा हूं, स्लैश यूज करके सिखा रहा हूं। ये का ये क्वेश्चन आप कर चुके हो यार, आपके इसके चार सबनेट आएंगे 0, 64, 128, 192, लेकिन अब मैं इसको इस तरीके से नहीं सिखा रहा, समझ रहे हो बात? अब मैंने क्या बोला, ये मेरा आईपी है और मेरे को चार सबनेट चाहिए, चार डिपार्टमेंट बनाने, और ए डिपार्टमेंट नंबर ए बी सी डी, इसमें 50 होस्ट, इसमें 50 होस्ट, इसमें 50 होस्ट, इसमें 50 होस्ट। तो बेटा 50 होस्ट के लिए कितनी बिट चाहिए होगी? 26, 6 बिट 0s चाहिए बेटा, 6 बिट 0s, इसमें भी 6 बिट 0, इसमें भी 6 बिट 0, इसमें भी 6 बिट 0। घी या कान थोड़ा उल्टे हाथ से पकड़ रहा हूँ, सीधा ना पकड़ के घुमा के कान पकड़ रहे हैं इसमें अपन, और कुछ भी नहीं है। पोस्टमार्टम आप पहले पूरा इसका कर चुके हो। अब सुनिए, यहां तक क्लियर है? इशिदा
क्लियर है इच एंड एवरीवन? देखो ये और अगला क्वेश्चन वास्तव में एक नंबर। यस सर। अगले क्वेश्चन में तुम्हारे को फील ना आ जाए ना तो बोलना बेटा। अब देखो कहने का मतलब बाहर तो आपकी ईआईपी चल रही है, बाहर तो आपकी ईआईपी चल रही है, अब अंदर देखो कैसे चलेगा। सर 26 कैसे आए ये समझा दीजिए। बेटा देखो मास कितना आएगा चार सबनेट के लिए, ये कितना होता है 26 वंस, ऐसे आया 26। सर यहाँ कैसे आया, यहाँ पूछ रही हूं मैं तो, यहाँ कैसे आया तो देखो 2 की पावर n माइनस 2 करोगे 50 के बराबर, तो 6 बिट जीरो चाहिए यानी 26 वन चाहिए। ये तरीके से मत करो, इस तरीके से ही सीखना अपन को कि 50 होस्ट के लिए 26 वन चाहिए। क्लियर है शानू? सर आपका साउंड नहीं आ रहा। मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, करण अर्जुन आएंगे रिप्लाई देंगे। समझ में आई? देखें 211.1.5.0/26 कहां तक चलेगा? ऐसे एलोकेट करूंगा मैं, ये मैंने बी को दे दिया स्लैश 26 चलेगा 211.1.5.64/26। क्लियर है? यस सर। सी में सी क्लास सिखा रहा हूं मैं, ये तो सब में इक्वल बांटे बेटा मैंने, है ना? तो यहाँ स्टार्ट होगा 211.1.5. खेल तो अगला वाला है, ये तो वार्म अप जो होता है ना प्रैक्टिस मैच, ये तो वो है बेटा। वार्म अप मैच क्या कह रहे हो? वार्म अप मैच। हाँ वार्म अप मैच, ये डिपार्टमेंट डी को दिया 211.1.5.192/26। उतार ले सब बच्चे, ये तो डीबीए है और ये नेटवर्क एड्रेस है, बाकी इनके बीच में 1 से लेके 62, 65 से लेके 126, 129 से 190, 193 से 254 उतारिए। समझ में आ गए? ये सारे इधर बीच में होस्ट आ रहे हैं। आप बोले सर हमारे को तो 50 ही चाहिए थे, लेकिन होस्ट हमेशा 2 की पावर में ही आएंगे बेटा, 2 की पावर n-2 में, 50 भी चाहिए हो तो भी इतने ही होंगे। तो पहले तो आप ये चीज को ज्यादा तवज्जो दें, मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ ये कैसे आया वो सब चीजें मैंने आपको बताई, इस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देनी है आपने ये वाले तरीके से, ताकि आप अगले क्वेश्चंस बाकी सारे कर पाओ। जल्दी करो जल्दी करो। क्लियर है बच्चों? यस सर।
आगे करें? Yes, sir. ये समझ में आ गया ना स्लैश 26 वाला खेला? जल्दी उतारे. ये गिवन है क्वेश्चन में शिवांश, 50 होस्ट हर डिपार्टमेंट को, ठीक है? क्वेश्चन में गिवन होगा. हो गया सर. सर हो गया. अगला लिखे VLSM, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क. या उससे पहले रुको, आपके वो 13वां 14वां क्वेश्चन हो गया या नहीं हो गया? ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे बाकी के बचे हुए? यस सर, हो गए थे. कोई डाउट आउट तो नहीं बचा भाई? ये तो कराई दिया था मैंने. जल्दी मार दो इसको. नहीं हुआ था. हाँ? 14. ये करो पहले जल्दी से, क्या आएगा आंसर? जल्दी बताए. वेरी गुड बच्चों. सृष्टि, बाकी और बच्चे, बाकी भी रिप्लाई करें. ईच एंड एवरीवन, लास्ट होस्ट जो मैं होस्ट को असाइन कर सकता हूं लास्ट एड्रेस. जानवी, भूपेंद्र 159 तो होस्ट को असाइन नहीं होगा ना बेटा, वो तो एजी डीबी है, होस्ट काम आ जाएगा. अमन गलत. अरे भाई और बहनों क्या कर रहे हो ये? सुनिए बेटा, लास्ट एड्रेस क्या आएगा? राइट मोस्ट. यस आर माधव, सही है. 32 - 27, 5 बिट्स. वंस, 144 को कैसे लिखोगे? 100100000. राइट मोस्ट 5 बिट, आपको 1 चाहिए लास्ट एड्रेस के लिए. ये 159 हो गया जो एज ए यूज एज ए डीबीए. वह अभिषेक ऐश्वर्य बेटा, डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस. Cannot assign
टू होस्ट, तो फिर लास्ट होस्ट एड्रेस क्या आ जाएगा? वन फिफ्टी एट, आंसर इज 158. ईच एंड एवरी वन प्लीज टेल मी, क्लियर है सब बच्चों को? यस सर. लिख दीजिए चैट बॉक्स में क्लियर है या नहीं है. ये उल्टे सीधे आंसर कौन दे रहा था? अभिषेक, अमन, भूपेंद्र, जानवी, ओनली 7-8 बच्चों को क्लियर हुआ है क्या? आप समझ में आ गया क्या? ईच एंड एवरी वन? यस सर. यस सर. फोर्टीन में क्या दिक्कत आई? में क्या दिक्कत आई बेटा? म्यूट करें अपने आप को, वो इको आ रहा है. 14 में कुछ ही नहीं करना, आप तो कर लोगे. ये स्लैश 12 का मतलब हो गया 255. स्लैश 14 का मतलब, स्लैश 16 का मतलब, स्लैश 15 का मतलब कुछ नहीं. एंड करना है इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, कौन से वाले से मैच कर रहा है? जो हाईली सबनेटेड होगा. प्रेफरेंस विल बी गिवन टू हाईली सबनेटेड. 12, 14, 16, 15 जिससे मैच कर जाएगा उसको दी जाएगी. चीज समझ में आई? क्लियर है बच्चों? यस सर. वेरी गुड. यहां तक सबको समझ में आ गया है? ईच एंड एवरी वन? यस सर. अब अगला टॉपिक देखे, VLSM. बहुत ही बढ़िया टॉपिक. ये लास्ट टॉपिक ऑफ आईपी एड्रेसिंग. बेटा अब कॉन्फिडेंस आ रहा है? नहीं आ रहा? कोई से भी क्वेश्चन कर लोगे. आपने सारे किए, मास्क वाले, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस. अब ये जो रही सही क्वेश्चन की कसर है वो ये निकाल देगा. वेरिएबल एंड सबनेट मास्क. वही क्वेश्चन 211.1.5.0/24 उतारिए. क्लास सी एंड वांट्स टू फॉर्म ए सबनेट ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स. With the host details as follow. A में 75 host, B में 35 host, C में 20 host और D में 18 host. हर बच्चा करे प्लीज. ईच एंड एवरी वन डू फास्ट. मुझे पता है आपसे नहीं होगा लेकिन ट्राई कर सकते हैं आप. फिर कह रहा हूं मैं,
बताइए बच्चों आंसर, या मैं ही कराऊं? एक मिनट सर, अब ब्लॉक रहेंगे सर, वो भी वेरी कर सकते हैं क्या? वही तो करेंगे वेरी, और क्या करेंगे, पर हमेशा पावर में ही होंगे। इधर देखो, चलो मैं करा देता हूँ, ठीक है? आप सुने 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 रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट, इसके लिए कितने बिट वन सही होगी, कितने बिट जीरोज लोगे आप, ये बताइए मेरे को, बताइए आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं मैं। गिव दी पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ सबनेट मास्क टू मेक दिस पॉसिबल एंड कंस्ट्रक्ट दी नेटवर्क। अब सुनिएगा हर बच्चा, यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है यहां तक? आपने क्या करना है, इसमें आपको पूरे सबनेट एड्रेस आ जाए, इस तरीके से निकालना है कि ये सारी चीजें हो। पहले तो आप इसको चेक करोगे क्या ये वैलिड भी है, क्या क्या ये वैलिड भी है क्या। अभी सर ये वैलिड कैसे चेक करेंगे, वैलिड कैसे चेक करोगे आप, पहले तो इनके टोटल होस्ट काउंट कर लीजिए आप, सही आ रहे? देखो हर बच्चा पेन कॉपी रख दीजिए, सुनिएगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। 75 होस्ट के लिए कितनी बिट चाहिए होगी भाई, जीरोस, 2 की पावर n-2, कितने जीरो चाहिए होंगे? 7 बिट, 7 बिट जीरोस। और 35 के लिए 5 नहीं 6, 20 के लिए 5 और इसके लिए भी 5, यानी इधर चलेगा स्लैश 25, ये भी तो 7 जीरो, इधर चलेगा स्लैश 26, इधर दोनों जगह चलेगा स्लैश 27। यहाँ तक समझ में आया? Yes, बहुत sir. प्यारी चीज है। अब देखो 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, पहले तो ये जोड़ लो, ये लीगल भी है क्या? लीगल का मतलब है क्लास सी में टोटल 256 एड्रेस होते हैं ना, एड्रेस बात कर रहा हूँ, होस्ट नहीं, तो क्या इतने ही आ रहे हैं ना, 128 64 64 64, यस 256 आ रहे हैं। आ गई बात समझ में? Yes, कहीं औकात से, यानी एक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ, बुरा मत मानना, कहीं औकात से तो बाहर नहीं जा रहे ना, चीज समझ में आ गई? Yes, यानी स्लैश 25 चलेगा, 26 चलेगा, 27 27, ठीक है। अब देखो बहुत ही मजा आने वाला है, बस ये इसकी फोटो खींच लो, दिमाग में उतार लो, उतार लो इसको कॉपी में, रिक्वेस्ट है सभी से। बस अभी तक का फील वाला क्वेश्चन ही यही है। Yes, sir. आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes. देखिए हर बच्चा देखे, पेन कॉपी रख दे, शांति से सुनिएगा, बस ये दिमाग में चलने देना, स्लैश 27 चलेगा, 27 स्लैश 27 का स्लैश 25 का मतलब समझ में आ जाएगा, यहाँ जहां से भी गणित स्टार्ट होगी 128 आएंगे, 26 का मतलब 64 कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, 27 का मतलब 32 होंगे, 27 का मतलब 32 होंगे। अब देखो मैं आपको 4-5 तरीके अरेंजमेंट सिखाऊंगा आपको, अरे आप 4 जने हो, ABCD कैसे भी बैठ सकते हो ना, ABCD कैसे भी बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते? Yes, sir. Yes, sir. ISP आया, IP बोले क्या है, IP बोले क्या है, 211.1.5.0, यहाँ तक समझ में आ गया सर? अब ये सबसे पहले तो इधर देगा, कौन से वाले को दे रहा है, A को, किसको दे रहा बेटा, A को,
ठीक है, ए को अपन को पता है कितना चाहिए /25, यस या नो? यस सर। तो भाई यहाँ ए पे क्या आएगा, 211.1.5.0/25, यानी ए पे गणित कहां से स्टार्ट होगी? हर बच्चा पेन कॉपी रख देना, उतारना मत यार, रिक्वेस्ट है सभी से, फिर कह रहा हूं मैं। और डीबी क्या आ जाएगा, यस या नो सर? इसके बाद राउटर आया, इसने क्या किया, बी को दिया, आधा बी को दिया, हाँ या ना? बी पे क्या चलेगा, /26, आधे इधर बढ़ गया, आधा इसको दिया, उसमें भी दो टुकड़े हुए, 211.1.5.128/26 यहां से स्टार्ट हो रहा है। और डीबीए क्या आ जाएगा, वो राउटर कैसे आया? ये नेटवर्किंग, अभी आप इसको गोले को तो गोला ही मारे, अभी उस पर मत जाए अभी आप, ठीक है? Yes. अब यहां से कैसे कटेगा खरबूजा, सी और डी में, सी कहां से स्टार्ट हो रहा है बेटा, /27/27, तो यहाँ गणित कितने से स्टार्ट होगी? सर गेट में ऐसे क्वेश्चन आता है? यस आता है सर, हम कर पाएंगे आराम से, बड़े आराम से। अभी रुको, आपको परफेक्शन आएगा। ये कहां से स्टार्ट होगा भाई, 224 से 255 तक चलेगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई स्लैश का मतलब क्या होता है। यहां तक समझ में आ गया हर बच्चे को? ये तो मैंने कैसे दिया, ए बी सी डी, ये अरेंजमेंट लिया। बोलो भाई क्या अरेंजमेंट लूं, अब क्या अरेंजमेंट लूं, बी बी ए, अरे रुको, बी ए सी डी ले लेता हूं अब मैं, ठीक है भाई? यस सर। एक ही बात है, घर की बात है, आप जो बोलोगे अगले में ले लेंगे यार, टेंशन क्यों लेने का, जब सिखाना हो तो सीखिए ना बस। Yes, sir. Slash choice. ISP के पास आया, पहले किसको बांटना भाई, बी को, बी को कितना चलेगा /26, यस या नो? तो 211.1.5.0/26 से लेके कहां तक जाएगा भाई, 7-2 यार, मजा जब आएगा। बोलिए नालायक को, B3 तक। हाँ, इसके बाद किसको दूंगा, ए को, ए कहां से स्टार्ट होगा, 64 से लेके, अरे बोल दो, 191, शाबाश बच्चे। इसके बाद सी, 27 चलेगा, समझ में आ रहा है? अरे चार जनों को बैठा रहे हो यार, और कुछ ही नहीं कर रहे आप, पर कुछ मोटा है कोई पतला है, समझना बात, कोई मोटा है कोई पतला है, कोई ज्यादा पतला है कोई ज्यादा मोटा है, बस इतनी सी बात है, ऐसे सीखे। मेरी टिप्पणी कोई व्यक्ति विशेष पे नहीं है, और पहली बात तो मैंने तो तुम्हारा को देखा भी नहीं है, और ना तुमने मेरे को देखा कि कोई पर्सनली ले। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब गेट में ना अपन को एक और लेता हूं, देखो एक आड़ा टेढ़ा लेते हैं अपन, कौन सा लिया जाए, सी ए बी डी, ठीक है सर? हाँ नहीं बोलते तुम, गुस्सा। यस सर। यस सर। इतना प्यारा कंसेप्ट सिखा रहा हूं, एक ही तरीके से सिखा देता। सी, सी में क्या चल रहा भाई, 27, तो कहां से कहां तक चलेगा भैया, 31, 0 to 31. वेरी गुड बच्चे। उसके बाद किसको लिया मैंने, ए को, ए पे क्या चल रहा है, /25, 32 से 159, वेरी गुड। सब बच्चों को समझ में आ रही है, इसलिए सिखा रहा हूं मैं चार में था, कि एक किसका ब्रेक पहले में छूटा तो दूसरे में आ जाए, 26, 160 से 223, जो नहीं बोल रहे वो भी अपना योगदान दे सकते हैं।
डी में 255 यहाँ तक क्लियर है? यस सर यस सर। एक और अरेंजमेंट लेके दिखाऊं, बोलो कौन सा लिया जाए। डी सी बी ए डी बी ए सी सी ए सी ए लिए ए सी ले ए सी ले लेते हैं। चलो भाई मुझे नहीं पता है किसने ए बोला था, किसने सी बोला था, किसने सी बोला था। आप दिल पे लेके रोने मत लग जाना कि मेरा वाला नहीं लिया। /27 कंसेप्ट सिखाना बेटा इधर। तो कितना आएगा? 31 ठीक है। उसके बाद किसको दे रहा हूँ? बी को। बी 32 32 से 95 91 आएगा ना भाई? नहीं मैं भी पूछ रहा हूँ। उसके बाद ए को अब आप गेट वाला तो मजाक समझोगे। यहाँ तक आ गया, यहाँ से लेके कहाँ तक? 223 पर तो गेट वाला थोड़ा सा मेहनती आदमी है, मुझ जैसा आलसी नहीं है। सर आप भी कहाँ आलसी हो, ऐसे सोच रहे होंगे कहीं, तो सोच रहे होंगे सही है सर आप सही कह रहे हो। अच्छा क्लास सी है ना, क्लास सी में तो कितना चलेगा? 27 समझ में आ गया सर? यस सर। पर बताऊं गेट वाला आलसी आदमी नहीं है और अपन भी नहीं है। गेट वाला बताऊं 27 की जगह क्या लिखता है? 255 255 255 224 ऐसे लिख देता है। 26 की जगह ऐसे लिख देगा 255 255 255 .128 ऐसे मास्क को लिख देता है। 128 आएगा नालायक को, 192 नहीं आएगा। समझ में आया? यस सर। इधर 128 यानी अपन को रेंज देखनी होती है इसमें बस। 224 यस आ गई बात समझ में? या तो आप स्लैश लिख दीजिए। यस सर। उतार लीजिए बेटा जल्दी से, उतार लीजिए। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये उतार ही लिया है यहाँ से, उतारिए उतारिए सब बच्चे। पहले तो ये चेक करना बहुत जरूरी है बेटा। आधे तो ऑप्शन यही एलिमिनेट कर दोगे आप। देखो 27 27 है ना, यानी 26 मिला, 26 26 25 25 25 24 हो गया। सर ये कौन सी गणित सिखा रहे हो आप? हैं यानी आप 256 जोड़ लो भाई, टोटल 256 आ रहे नहीं आ रहे। अगर वही नहीं आ रहे तो आपके तो फिर गेम ही औकात से बाहर हो गया। लास्ट वाला डीबीए दीज आर दी सब नेटवर्क एड्रेस।
ये वाला थोड़ा ऊपर कर दीजिएगा। हो गया था। ओके माधवी, दोबारा दिखा देता हूँ स्टार्टिंग से ऐसे। पर बेटा स्क्रीनशॉट ये हो गया है, एक मिनट दिखा रहा हूं दोबारा। उतार लिया बच्चों? गेट में इस पे भी दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं, आप प्लीज लगाइएगा। यस सर, ये भी हो गया। हो गया? यस सर। अब जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले चुके होंगे। माधवी ले लीजिए बेटा स्क्रीनशॉट। ईच एंड एवरी वन क्लियर? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, सी ए बी डी वाला दिखा दीजिए बेटा। हो जाएगा, खुद से भी कीजिएगा। ये करो पहले,
कीजिए हर बच्चा, रिक्वेस्ट है। बताइए आंसर। क्या आंसर? यस बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? देखो इसका, देखिए आप सुनिएगा क्या आंसर आएगा। पहला तो आप ये देखो कि पहला और दूसरा सही है क्या, ये ऑप्शन सही है क्या। आप इधर देखिए 198 128 128, 2 की पावर 7 2 की पावर 7 2 की पावर 6, ये तो ग्रेटर देन 256 हो गए, 64 128 128, ये तो 300 समथिंग हो गए, 300 प्लस होस्ट हो गए, और क्लास सी है, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, इसमें भी यही हो गया 300 प्लस होस्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इसमें देखो, ये दोनों में देखो, ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, 128 से, यानी ये कहां से कहां तक गणित ले जाएगा, 128 से 256 तक, 255 तक बंदे ये ले जाएगा पहली लाइन। ये 192 से स्टार्ट होना चाहता है 255 तक, और ये 224 से स्टार्ट होना चाहता है
समझ रहे हो? हाँ या ना? यस सर। तो बेटा एक बार बताओ, जब इसको आपने पूरा दे दिया, अरे मान लीजिए ए से जेड तक आपने इसको दे दिया, तो बीच में थोड़ी डाल सकते हो आप। जो बच्चे सी बोल रहे हैं, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? 192 से स्टार्ट हो रहा है, ये 224 से 128 से, जब ऑलरेडी अपन इसको दे चुके हैं। अब इसको देखो, डी को, ये 128 से स्टार्ट हो रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है 64 कंप्यूटर, ये 64 से स्टार्ट हो रहा है 64 कंप्यूटर, ये देखो ये करेक्ट अरेंजमेंट है। अरे अपने तो इससे ज्यादा पढ़ा है यार। सब बच्चों को क्लियर है यहां तक? पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी लीजिएगा। क्लियर है यहां तक? यस सर। मजा आया नहीं आया? बेटा हो गया? आगे बढ़ता हूं मैं। अब हो सकता है यहां तक क्लियर हो गया हो हर बच्चे को, बट आप लिख नहीं रहे, ये बात अलग है। सर ये क्वेश्चन क्लियर था, मतलब जो आपने इसके पहले करवाया था, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन दिया ना आपने, ये जो उसमें गेट वाला, वो वाला अच्छे से क्लियर नहीं। यस 100% क्लियर नहीं हुआ, मतलब मजा नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत है? सर इसका डी ऑप्शन में ये आप कह रहे हैं कि 128 से 255 और ये, फिर भाई एलोकेशन याद है वहां, वहां मैं कैसे कर रहा था? इसी क्वेश्चन को करूं तो 204.204.204. समझ रहे हो बात? जीरो से स्टार्ट हो रहा हूं तो स्लैश 26 ले रहा हूं, तो 64 इसको दे दिए, अगले स्लैश 26 में 64 से स्टार्ट होऊंगा, और फिर 128 में 25 से स्टार्ट होऊंगा। वही तो है ये, और क्या है? वैसे तो किया है सर, लेकिन ये मैच कहां करा है? अब आप गुस्सा दुला रहे हो बेटा। कैसे मैच नहीं किया मेरे भाई, कैसे मैच नहीं किया? और क्या जान देगा अपनी वो? ये सर उसने सर कन्वर्ट नहीं किया सर, इसलिए उसको लग रहा है शायद। तो भाई खिचड़ी थोड़ी है जो बना के दे देगा पूरी, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये ले 26, और कन्वर्ट भी क्यों करते हो? मैंने भी आपको बोला भी था, पता तुम नशे में रहते हो, सब लोग नींदों में रहते हो। अभी आपको बोला था, नहीं बोला था कि नीचे देखो, मैं आपको दिखाऊं भी, आपको बताया था कि उसने बताऊं स्लैश ना करके आलसी, मैंने बोला मैं आलसी आदमी हूं, मैंने स्लैश कर दिया, कंसेप्ट को सिखाने के लिए माहौल भी बनाया मैंने। 64/26, अब बाकी इसमें 64 आ गए, इसमें 64 आ गए, अगला कहां से चलेगा? 128/25, और क्या जान देगा अपनी वो? ये किसने पूछा था, नाम बताए? अरे बोलोगे डांटूंगा नहीं भाई, घबराओ मत। नाम बताएंगे अपना? ये चीटिंग कर रहा बेटा तू, कोई बात नहीं। सर आराव ने पूछा था सर। अच्छा मैंने आपको मैसेज तो किया सर, अभी आया। हाँ चलो, यहां तक सबको समझ में आ गया? अब आगे बढ़े बच्चों, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? ईच एंड एवरी वन लिख दीजिए चैट बॉक्स में। यस सर क्लियर है।
आगे बढ़े, देखिए अब नेक्स्ट इज ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कितनी लेयर होती है बेटा, साथ दीजिए प्लीज, कितनी लेयर होती है, कौन कौन सी? एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, उसके बाद नेटवर्क, डेटा लिंक। हाँ, नेटवर्क के बाद डेटा लिंक। अभी तो ये कंफ्यूजन चल रहा है किसको कहाँ सेट करे, हैं? फिजिकल, फिजिकल लेयर। तुम सेट तो ऐसे कर रहे हो जैसे वो फिल्म स्टार दो नंबर का पैसा दिखाते हैं ना, वो उसको सेट करते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं, बोले हाँ यार इसको इधर सेट करते। देखिए एप्लीकेशन लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है, मैसेज की फॉर्म में। क्या? मैसेज की फॉर्म में। ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा सेगमेंट की फॉर्म में। नेटवर्क लेयर में डेटा पैकेट या डेटाग्राम भी बोलते हैं, उसकी फॉर्म में होता है। डेटा लिंक लेयर में डेटा फ्रेम्स की फॉर्मेट में होता है, और फिजिकल लेयर में डेटा बिट्स की फॉर्म में होता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, और बाकी हर लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। पहले मैं आपको सिखा रहा हूँ एप्लीकेशन लेयर। पहली लेयर कौन सी होती है बेटा? एप्लीकेशन। वेरी गुड बेटा, गलत है आपका। फिजिकल। समझ में आई बात? यस सर। यानी रिक्वेस्ट ऑफ डेटा है ना, जो मूव होता है लेयर 7 टू लेयर 1 एट सेंडर साइड एंड लेयर 1 टू लेयर 7 एट रिसीवर साइड। ये जल्दी उतारो, जल्दी उतारिए। हो गया है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, पोर्ट टू पोर्ट कनेक्टिविटी होती है, इसमें आईपी टू आईपी, इसमें मैक टू मैक। उतारिए बेटा, या अभी रुको, आप ये वाला डायग्राम भी उतार सकते हैं, साथ साथ लिखते जाओ। पहले ओएसआई मॉडल हैज 7 separate layer but related layer, request of data move from layer 7 to layer 1, kya beta, layer 7 se लेयर वन। यहां तक समझ में आया? अरे ये वन नोट को पता नहीं क्या हो गया। बेटा आप में से कोई होस्ट है? अच्छा मैं ही हूं। Request of data move from layer 7 to layer 1 at sender side. Yes or no? Yes, sir. And reverse happen at receiver side.
नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल स्टैक आर्किटेक्चर बिकॉज द हेडर विच इज एडेड इन द लास्ट. बेटा जो हेडर सबसे लास्ट में ऐड किया गया है, सुनिएगा हर बच्चा, देखो यहाँ एप्लीकेशन लेयर पे अपना डेटा मैसेज था, जो भी डेटा था उसमें हेडर वन लगाया, इसमें हेडर टू लगाया, ऐसे ही यहां तक अपना कौन सा लग गया होगा, हेडर सेवन. कौन सा बच्चों? हेडर सेवन. तो जो हेडर अपन ने सबसे लास्ट में लगाया है वही सबसे पहले हटा रहे हैं अपन, समझ रहे हो बात? यानी लीफो का जैसे काम हो रहा है. क्या द हेडर विच इज एडेड इन द लास्ट एट सेंडर साइड, डेट हेडर. स्टैक का मतलब ही क्या होता है? लीफो ना. डेट हेडर रिमूव्ड फर्स्ट एट रिसीवर साइड. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? यस सर. और इन दिस डेटा ट्रांसफर इज वर्टिकल एंड कम्युनिकेशन इज हॉरिजॉन्टल. उतार लिया सब बच्चों ने? देखिए एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल. एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेटा लिंक फिजिकल. आपको पता है बेटा कैसे काम होता है? यूं डेटा जाएगा आपका मीडियम पे, सेंडर टू रिसीवर, ये आपका ट्रांसमिशन मीडियम है. ये मेरा सेंडर है, ये मेरा रिसीवर है. यहां प्रोटोकॉल लगेंगे कौन से? जैसे ये एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल,
समझ रहे हो बच्चों? सर यानी डेटा ट्रांसफर तो वर्टिकल होगा और कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल होगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल। प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल जल्दी उतारते जाना साथ साथ। सेशन लेयर प्रोटोकॉल उतारिए जल्दी से। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल लिखिए सारे ऐसे। उतार लिया बच्चों? सर क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। पहला एप्लीकेशन लेयर। देखो हर लेयर के बारे में कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातें। एप्लीकेशन लेयर में डेटा किस फॉर्म में होता है बेटा? डेटा इन द फॉर्म ऑफ मैसेज पहली बात। और उस मैसेज की क्या साइज होती है? ये गेट में दोनों आए हुए क्वेश्चन। देयर इज नो लिमिट ऑफ मैसेज एट एप्लीकेशन लेयर। समझ में आई बात? कोई लिमिट नहीं होती है। सेकेंड होता है प्रेजेंटेशन लेयर। इट फोकस ऑन सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। प्रेजेंटेशन लेयर किस पे फोकस करती है? सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। मैसेज का फॉर्मेट क्या रहेगा, ऑडियो वीडियो फॉर्मेट क्या रहेगा, ये सारी चीजें। समझ रहे हो बात सर? थर्ड आपका सेशन लेयर। देखो ये भी जरूरी है, अपन ने न्यूमेरिकल तो किए ही है, डेटा लिंक लेयर भी पढ़े, अपन लेयर भी पढ़ेंगे सारी, लेकिन पहले बेसिक भी जरूरी है ना, किस लेयर का क्या काम होता है, क्या चीज है। सेशन लेयर का काम होता है सेशन एस्टेब्लिशमेंट। सेशन का मतलब समझ में आता है कि आपको लॉजिकल कनेक्शन, जैसे IRCTC की वेबसाइट पे जाते हो तो सेशन क्रिएट हो जाता है एक टाइम लिमिट के साथ, या ATM पे जाते हो तो सेशन कनेक्ट हो जाता है। समझ रहे हो? चेक पॉइंट। चेक पॉइंट का मतलब होता है जैसे आप मूवी डाउनलोड करते हो तो अगर आपकी मूवी बीच में डाउनलोड रुक जाती है तो ऐसा सिंबल नहीं बना हुआ था रिज्यूम वाला, हाँ या ना? यस सर। चेक पॉइंट का मतलब ही नाकाबंदी है। याद करो जैसे विकास दुबे वाला लेटेस्ट केस, यहाँ से भाग गया आगे पकड़ा जाएगा, तो उस चेक पॉइंट से आगे देखते हैं अपन उसको। समझ रहे हो बात? तो वही चीज है इधर भी, क्या लास्ट यहाँ तक सेव हो गया, उसके बाद अगर यहाँ कनेक्शन कट होता है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? ये सब सेशन लेयर करता है। और कम्युनिकेशन मोड क्या होते हैं?
सिंप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स सिंप्लेक्स का एग्जांपल टीवी ओनली वन वे कम्युनिकेशन समझ में आ रहा बेटा यस सर टीवी ने आपको न्यूज सुनाई कभी आप बोलते हो आज मैं सुनाऊंगा टीवी को न्यूज समझ रहे हो यानी ओनली वन वे कम्युनिकेशन दूसरा हाफ डुप्लेक्स टू वे कम्युनिकेशन बट नॉट एट सेम टाइम वॉकी टॉकी फुल डुप्लेक्स लाइक मोबाइल टेलीफोन आप भी बोलते रहो सारा सामने वाला भी बोलता रहेगा क्लियर है यस सर ट्रांसपोर्ट लेयर इट एस्टेब्लिश पोर्ट टू पोर्ट कनेक्शन data in the form of segments और ये बाकी deal करता है congestion control policy से congestion control policy से next network layer data in the form of packet ये आपका कौन सा कनेक्शन एस्टेब्लिश कराता है लॉजिकल कनेक्शन लॉजिकल कनेक्शन या आईपी टू आईपी कनेक्शन समझ रहे हो और इसकी मेन ड्यूटी और बाकी राउटिंग राउटिंग जो होती है वो अपन इसमें पढ़ते हैं क्लियर है यहां तक ईच एंड एवरीवन यस सर नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर data in the form of frame data in the form of frames और दूसरा point physical connection होता है इसमें कैसा MAC address वाला MAC to MAC यहां तक समझ में आ गया ऐसे नो इट हैज टू सब लेयर एक तो एलएलसी और एक मैक यहां तक क्लियर है सब बच्चों को
नेक्स्ट फिजिकल लेयर, डेटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। और क्या क्या ड्यूटी होती है, ये सारी जिम्मेदारी निभाता है। आइडेंटिफाई टोपोलॉजी, टोपोलॉजी कौन सी होगी, रिंग टोपोलॉजी होगी, स्टार टोपोलॉजी होगी, मैश टोपोलॉजी होगी, समझ रहे हो बात, या बस टोपोलॉजी होगी, सारी चीज निभाता है। उसके बाद लाइन कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, वायर्ड है या वायरलेस है, ट्रांसमिशन मोड कैसा है, सीरियल है या पैरेलल है, ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी कैसी है, पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टी पॉइंट है या ब्रॉडकास्टिंग है। चीज समझ में आ गई सब बच्चों को? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। पहला नोड टू नोड डिलीवरी, इज टेकन केयर बाय डेटा लिंक लेयर। दूसरा सोर्स टू डेस्टिनेशन, ये गेट में भी आए हुए बेटा 2 मार्क्स के, ध्यान रखना। इज टेकन केयर बाय नेटवर्क लेयर। एंड टू एंड या प्रोसेस टू प्रोसेस, बेटा आपको सबको ये चीजें पता थी क्या? नो सर। ऐसा ही सबने पढ़ रखा होगा चाहे। इज टेकन केयर बाय ट्रांसपोर्ट लेयर। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस सर। और द केबल डेट आर कनेक्टेड फ्रॉम, ये आज बेसिक है, कल तो बेटा कल की क्लास बहुत ध्यान रखना, गेट के क्वेश्चन करोगे कम से कम 20 मार्क्स के। यस सर। कंप्यूटर टू स्विच, ये तो आज वैसा बेसिक बताया कि डेटा किस किस फॉर्म में जाता है। कल पहले टाइम कैलकुलेशन सिखाऊंगा, कौन कौन से टाइम होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, और फिर अपनी लेयर स्टार्ट कर दूंगा मैं। द केबल डेटा कनेक्टेड फ्रॉम कंप्यूटर टू स्विच आर नोन एज एक्सेस लिंक। And the cable that are connected between the switches are known as trunk link. समझ में आ गई बात? Each and every one? Yes, sir. उतार लिया है? अब देखो से थोड़ा ऊपर कीजिए सर, थोड़ा सा बचा है। प्रोटोकॉल्स जल्दी उतारो यार बेटा, आज ये खत्म करें फिर अपना न्यूमेरिकल पोर्शन ही चालू रहेगा। और ये चीजें ऐसे मत समझना थ्योरी है तो नहीं आती, भर भर के आती है, और इस बार तो पक्का आएगी, एमएसक्यू है इस बार, तो इसको भी इतनी तवज्जो देना। और ये चीज आपको आईवी भी है, नोड टू नोड, आधा इंडिया कंफ्यूज है,
डेटा लिंक लेयर होता भाई, सोर्स से डेस्टिनेशन नेटवर्क लेयर होता है, एंड टू एंड या प्रोसेस टू प्रोसेस ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। उतार लिया है? अब देखें, मैं कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में बात करना चाहता हूं। एप्लीकेशन लेयर पे कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज आते हैं बताओगे? सर ये आपने कौन सी लिंक लिखा सर, लास्ट में नहीं समझ में आया। TRUNK ट्रंक, ट्रंप ट्रंप मत लिख देना बेटा। आगे बढ़े सर, कौन कौन से प्रोटोकॉल होते हैं बताएगा कोई? एप्लीकेशन लेयर पे HTTP, FTP, फुल फॉर्म पता है ना सबको? यस सर। TFTP, SMTP कर रहा हूँ बेटा, DNS, SMTP, POP, IMAP, ये सारे प्रोटोकॉल्स अपने इसी पे ही होते हैं, समझ रहे हो? HTTP किस लिए काम में आता है? बेसिकली वेब के लिए, ये फाइल ट्रांसफर के लिए, ये फाइल ट्रांसफर के लिए काम में आता है, ये डोमेन नेम सर्विस, ये आपका मेलिंग के लिए काम में आता है, मेल प्रोटोकॉल, समझ रहे हो? जिसे अपन पुश प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, आगे कराऊंगा अभी। और ये भी आपका मेल के लिए काम आता है, जिसे अपन पुल प्रोटोकॉल कहते हैं, दोनों को पुल प्रोटोकॉल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? आगे बढ़े, एक होता माइम भी, ये भी मेलिंग के लिए होता है, पुश प्रोटोकॉल कहलाता है, फुल फॉर्म नहीं पता तो पूछ लेना। अगला प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल, सर ये आखिरी के दो के फुल फॉर्म, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन लेयर प्रोटोकॉल, जैसे LPP, SSL, लाइट वेट प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल, लाइट वेट प्रेजेंटेशन प्रोटोकॉल, सिक्योर सॉकेट लेयर, थर्ड सेशन लेयर प्रोटोकॉल, इसमें आपका आ जाता है RPC, रिमोट प्रोसीजरल कॉल, फोर्थ आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, कौन सा बेटा? नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, इसमें आपका आ जाता है IP। उतारते जा रहे हो जल्दी जल्दी सर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ICMP, थोड़ा सा ऊपर इंटरनेट इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ARP एड्रेस रेजुलेशन प्रोटोकॉल, RARP यानी रिवर्स ARP,
उसके बाद आरआईपी, ओएसपीएफ, बीजीपी। आरआईपी यानी राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, रेस्ट इन पीस नहीं है, ध्यान रखना। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। बीजीपी यानी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। क्लियर है बच्चों? यस सर। मैं ट्रांसपोर्ट लेयर का लिखना भूल गया शायद भाई, ये पांचवी लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर का इधर लिख देता हूं। टीसीपी, यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। टीसीपी तो यूडीपी यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, डीडब्ल्यूसीपी डेटाग्राम कंजेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। एससीटीपी स्ट्रीम कंट्रोल, ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। क्लियर है यहां तक? यस सर। नेक्स्ट डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। पी टू पी पॉइंट टू पॉइंट, एसएलआईपी सीरियल लाइन, मैं जा रहा हूं, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस, सीएसएमए, सीए होता है एक, इसका मतलब होता है सीएसएमए का तो फुल फॉर्म लिख ही दिया मैंने, कोलिजन अवॉइडेंस। ये सब पढ़ना है बेटा अपन ने, आप क्या सोच रहे हो? इनका सर डिटेल भी पढ़ना है? सारे नहीं है, कुछ एक है, जैसे सीएसएमए सीडी पढ़ना है, आई ट्रिपल 802.3 इथरनेट को बोलते बेटा, इथरनेट फ्रेम फॉर्मेट, आई ट्रिपल 802.5 हाँ इथरनेट पढ़ना है, टोकन रिंग, और आई ट्रिपल 802.11 ये होता है आपका वाईफाई, जब भी मोबाइल खरीदते हो ये लिखा हुआ आता है उसके पीछे। उतार लिया सब बच्चों ने? ईच एंड एवरीवन? नो सर, रह गया सर थोड़ा सा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका थोड़ा ऊपर और कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भी लेना है। स्क्रीनशॉट लेके मत रखना, उतार के रखना बेटा। yes, तो वो रह गया नहीं ले पाए। अरे बेटा ले लिया सर, ले लिया ले लिया ले लिया। अरे ये सिस्टम बड़ा स्लो हो गया आज, पता नहीं क्या हुआ। चलो क्लियर है यहाँ तक बेटा? ठीक है, आप यहाँ तक कीजिएगा, कल जो भी डाउट हो कल आपको कराऊंगा, क्योंकि अभी मेरी दूसरी क्लास भी है। स्लाइड और दिखा दीजिए बेटा, कल देख लेगा अब। ओके सर, है ना। चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू एवरीवन। कोई डाउट है? थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।